आउटफॉल कैनाल है, 20 साल से बन रही है, 20 साल से वो नहर बन रही है, जिसका असल मकसद ये है कि वो पानी जब आता है इधर से मगरब से कोई सुलेमान से, तो वो पानी ले जाए समुंदर की तरफ। 20 साल से ये नहर बन रही है। जो वापडा हमारे दौर में वापडा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, सेवन तक वापडा ने 2020 में वो नहर मुकम्मल कर ली। उससे आगे लेके जानी थी सिंध हुकूमत ने, वो अभी तक नहीं उसके ऊपर काम हुआ। अगर वो राइट बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती सिंध के अंदर, और वो जो पानी खड़ा हो गया, जो असल लोगों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पानी खड़ा हो गया वहां, और वो पानी तब तक नहीं जाएगा जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा। और उस ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फौरी तौर पर काम कंप्लीट किया जाए। कौन सा? तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करें, सेवन से आगे समुंदर तक लेके जाए, ताकि फिर से इस तरह का अजाब हमारे सिंध के लोगों को ना इसका सामना करना पड़े। और आखिर में मैंने सीएम पंजाब से उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाए, जो हमने सारी फिजिबिलिटी पूरी कर ली है, हमने इसके ऊपर सारा काम मुकम्मल कर लिया, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट ने फिजिबिलिटी पूरी है। और मैं सीएम पंजाब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फौरी तौर पे तौंसा को एक डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।